दिस क्वेश्चन देर आर टू पार्टनर अटल एंड मदन. अटल एंड मदन आर पार्टनर. अटल एंड मदन वर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 5:3. दे एडमिटेड मेहरा फॉर 1/5 शेयर एंड द न्यू रेशियो ऑफ अटल मदन एंड मेहरा विल बी 5:3:2. ऑन मेहराज एडमिशन द बैलेंस शीट वर एज फॉलो. लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड. इन द लायबिलिटी साइड कैपिटल ऑफ अटल इज 1,50,000 वाइल द मदर इज 90,000. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,200. क्रेडिटर्स 20,000 एंड वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज 32,000. टोटल इज 2,93,200. वाइल इन दिस साइड एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग इज 1,50,000. मशीनरी इज 40,000. पेटेंट 5,000. स्टॉक 27,000. डेटर्स इज 47,000. कैश 4,200 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000. टोटल इज 2,93,200. मेहरा वॉज एडमिटेड इन टू द पार्टनर. मेहरा ब्रॉट फॉर 1/5 ईयर ही ब्रॉट 40,000 एज इज कैपिटल एंड 16,000 फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल विच इज नोन एज प्रीमियम विथ एंड हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय अटल एंड मदन एंड इट वॉज एग्रीड दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ए प्रोविजन ऑफ 2.5% बी क्रिएटेड ऑन डेटर एंड रुपीज 3,000 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड. A claim against the firm is 325 and outstanding bill of electricity. Creditor, including the creditor, is 2500, which is not to be paid, and provision outstanding bill for electricity is 3000, and claim against the firm is 325, which is claim against the firm for damages. And after the above adjustment, the capital of Atal and Madan will be adjusted on the basis of Mehra's capital, actual cash to be paid in or brought out as the case may be. In this question, we have to prepare the revaluation account, partner capital account and balance sheet. First of all, again I am saying to you that it is very necessary to read the question very carefully and with the cold mind. क्वेश्चंस आर क्वाइट इजी. क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको तरीका बता दूंगा, बहुत ही आसान है. द क्वेश्चन डूइंग ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इजी. इवन द बिगिनियर, इवन द स्टूडेंट हु डज नॉट नो द मोर द मेथड अडॉप्टेड बाय अस विल बी क्वाइट इजी एंड ही विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी इजी मैनर. बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर लेगा. बस ये देखना क्या है कि क्या चीज ला रहे हैं. क्वेश्चन बहुत आसान है, प्लस माइनस का केवल प्लस माइनस ही करना होता है. ये क्वेश्चन आपने देख लिया, ये सारा क्वेश्चन है. यहाँ से अब हम इसको रब कर देंगे. क्वेश्चन करने का मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ. पहले इसमें बनेगा रिवेल्यूएशन अकाउंट. जब भी वेन एवर द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवेल्यूड. यहाँ पर जो रिवेल्यूएशन हुआ है, पहले हमने क्या किया, 2.5% प्रोविजन क्रिएट किया. क्वेश्चन को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2.5% बैड डेब्ट्स बनाया. व्हाट द स्टूडेंट विल मेक द मिस्टेक, दे विल मेक द दे विल डू 2.5% कैलकुलेशन ऑन दिस विच इज करेक्ट, बट दे हैव टू सी द प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इन दिस क्वेश्चन, स्पेशली इन दिस क्वेश्चन. अदरवाइज द प्रोविजन इज गिवन इन दिस साइड 47,000 माइनस प्रोविजन, बट इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन इन द लायबिलिटी साइड. सो वी हैव टू मैच दिस प्रोविजन विद दिस. क्वेश्चन में 2.5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएट करेंगे, तो 2.5% ऑफ 47,000 विल बी 1,125, वाइल द प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इज 1,200. इट मींस जो हम नया प्रोविजन क्रिएट करेंगे वो आ जाएगा 1,125, ओल्ड प्रोविजन है 1,200. इट मीन ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है, तो हम क्या, अब व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेकन बैक बिकॉज एक्सेस bad debts is provided, excess provision for bad debt is provided, so we have to taken back provision which will be gain for us. Same in the other way,
A provision was to be made for outstanding bill for electricity 3000, 3000 हमें electricity bill के देने, ये भी provide करना पड़ेगा, ये loss है हमारे लिए. और the creditors 2500 amount included in the creditor which is not likely to be paid. Creditor में 2500 amount है जो हमें pay नहीं करना है, वो भी हमारा gain है. And claim against the firm 325 which is the loss for us. So first of all we have to prepare the revaluation account. Then we have to prepare capital account. So see the capital account. Capital is 150,000 and 90,000. अब सबसे पहले यहाँ आपको देखिए कि यहाँ पर जनरल लेजर या वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज गिवन. Unless otherwise no information is given here. Workman compensation fund is divided between old partner in old ratio. तो old सारी चीजें old partners में old ratio में divide होंगी, केवल एक चीज छोड़कर जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है, क्योंकि नया पार्टनर जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है उसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं. तो क्वेश्चन करना, सबसे पहले अपनी प्रिलिमिनरी, यू मेक द प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन एंड द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन विच यू कैन डू बाय रीडिंग द क्वेश्चंस वेरी इजली, एंड आई विल टेल यू द सर्टेन मेथड्स, देन यू अप्लाई यूर ओन मेथड्स ऑफ डूइंग द क्वेश्चन. यू रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली. नाउ आई एम रिमूविंग द क्वेश्चन. पहले मैं आपको सिंपल मेथड बता दूंगा किस टाइप से हमें करना है. ये सारे आपने देख लिया. 2.5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाना है. क्रेडिटर्स अमाउंट 2500 विच इज नॉट टू बी पेड. प्रोविजन इलेक्ट्रिसिटी बिल का है एंड क्लेम है. एंड आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट कैपिटल कैपिटल विल बी एडजस्टेड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिमूव ऑल दीज थिंग फ्रॉम हेयर एंड देन वी विल डू ऑल दीज थिंग. क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप, बहुत आसान है, किस टाइप से हम क्वेश्चन के स्टार्टिंग करेंगे, रिवेल्यूशन अकाउंट बना लेंगे. इट्स रिवेल्यूशन अकाउंट, रिवेल्यूशन अकाउंट. द अदर नेम ऑफ रिवेल्यूशन अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. द अदर नेम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिवेल्यूशन अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. In this side the loss, in this side the gain or profit. The first thing students, it is quite to understand this account. पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं है. जैसे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 2.5% प्रोविजन बनाया है प्रोविजन डेप्टर्स पर. 2.5% ऑफ 47,000 विल बी 1125. How we can find out is it easily? 4700 is the 10%, 2350 is the 5%, and 1175 is the step से करके अब इसका 2.5% बहुत तेजी के साथ find out कर सकते हैं. स्टूडेंट को निकालने में दिक्कत होती है, आप क्या कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट द 10%. 47,000 का 10% कितना हो जाएगा, 4700. हाफ करेंगे तो 5% हो गया, उसका हाफ करेंगे तो 2.5% हो गया. दिस विल बी 1175 न्यू प्रोविजन यू हैव टू मेक. व्हाइल द ओल्ड प्रोविजन इज ऑलरेडी 1200. व्हाइल द प्रोविजन इज टू बी मेड अप टू 1175, इट्स मीन देर इज अ गेन ऑफ 25. एक्सेस प्रोविजन यू हैव प्रोवाइडेड. Excess provision will be taken back. So it's a gain. It will be written here by provision for doubtful debt, which I am describing by PDD. But you have to write the entire provision for doubtful debts, that is 25. Now the next is given. The creditor an amount of 2500 which is not likely to be claimed. 2500 rupees creditor may include which are not likely to be claimed. So by creditor 2500. While in this side it is given that outstanding electricity bill you have to provide it. It's a loss 3000. The next is claim for damages 325. So here it will be
3325. And this side by loss, loss will be 800 divided Atal and Madan in their old ratio. Old ratio is 5:3, 500 Atal, Atal's capital account and Madan's capital account. Revaluation account, particular amount, which I did not write. It is a particular amount, particular amount. This revaluation account is over. Now we have to prepare, partner's capital account. These are the partner's capital account, quite easy to make. Here we will write partner's capital account. Partner's capital account. Partners are Atal, Madan and Mehra. Atal, Madan and Mehra is a particular. इसको करने के लिए भी मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ, जो ताकि बहुत से आई हैव सीन द स्टूडेंट्स दे अफ्रेड वाइल मेकिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. वाइल द मेकिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्वाइट इजी. एवरीवन हैज नोटेड डाउन दिस और हैज अंडरस्टूड दिस. आई टेल यू द मेथड ऑफ डूइंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. किस टाइप से हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बहुत ही आसान तरीके से एक बार रॉ मेथड में बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा किस टाइप से करना है. जिनको बिल्कुल भी ये चीज समझ में नहीं आती है, थोड़ा डिफिकल्टी होती है, तो इस टाइप से भी थोड़ा वो प्रैक्टिस कर सकते हैं. जैसे ये अटल, मदन और मेहरा, इस टाइप से प्रैक्टिस कर सकते हैं. अटल की कैपिटल है 1,50,000 से 90,000. मेहरा कैपिटल अपनी 40,000 रुपीज लेकर आए. And Mehra brought 16,000 as goodwill. 16,000 goodwill, which will be divided in sacrificing ratio. So first of all, in the working notes, we will find out the sacrificing ratio. Sacrificing ratio is old ratio minus new ratio. Atal 5/8 minus 5/10 is a 5/40, and Madan 3/8 minus 3/10 is equal to 3/40. LCM, we would find out the LCM. LCM will be 40. And by this, we would find out that sacrificing ratio is also 5:3. It means 16,000 premium, 10,000 and 6,000. Capital hai 1,50,000. Ye 90,000 hai. Goodwill isko mil gaya. इसके बाद गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं, हाफ गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं. तो हाफ कितना हो गया इसका? 5,000 इसने विड्रॉ कर लिया, 5,000 3,000 यहां से विड्रॉ हो गया. देन यू सी इन द यू गो थ्रू द बैलेंस शीट. इन द बैलेंस शीट इन द लायबिलिटी साइड वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज गिवन एंड नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग वर्कमैन कंपनसेशन फंड. तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. वर्कमैन कंपनसेशन फंड पार्टनर में डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 12,500 और ये आ जाएगा 7,500 ओल्ड पार्टनर में. ऐसे दूसरी तरफ जाएंगे इन द बैलेंस शीट एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन. इट्स गिवन इसे 32,000 नॉट 32,000 मीन्स 20,000 एंड 12,000. वाइल इन द एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन. इफ इन द एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन, इट इज कंसिडर्ड लॉस. अगर एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है तो उसको हम लॉस मानते हैं, तो लॉस को माइनस कर देंगे इन दोनों से. लॉस माइनस करने के लिए आ जाएगा 12,500 और 7,500. ऐसे रिवेल्यूशन का लॉस है, रिवेल्यूशन का लॉस हो जाएगा 500 और माइनस 300.
इनको आप प्लस माइनस कर लीजिए, आपका कैपिटल आ जाएगी, क्वाइट इजी टू मेक। यहां पर हम क्या करेंगे, जो चीजें प्लस की हुई है वो क्रेडिट साइड में आ जाएंगी, जो चीजें माइनस की है वो डेबिट साइड में आ जाएगी। तो इस टाइप से हम कैपिटल को आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। जिन बच्चों को बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है वो चाहे तो एक लाइन में भी इनको कर सकते हैं, इस टाइप से भी कर सकते हैं, उसके बाद वो इसमें आ जाए स्टेप। यहां पर हम लिखेंगे जैसे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अटल 1,50,000, मदन 90,000 एंड बाय कैश ब्रॉट बाय मेहरा इज 40,000 कैपिटल, वाइल इन द लाइबिलिटी साइड वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज गिवन 32,000, डिवाइड इन द रेशियो 20,000 एंड 12,000, वाइल इन द एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन। तो यहां माइनस किया, इधर आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,500, 7,500। इसके बाद वी प्रिपेयर द रिवेल्यूशन अकाउंट, द रिवेल्यूशन लॉस इज 500 एंड 300 एंड द प्रीमियम डिवाइडेड प्रीमियम फॉर गुडविल, यू कैन राइट हियर गुडविल ऑल्सो, यू कैन राइट प्रीमियम फॉर गुडविल ऑल्सो, आई एम राइटिंग प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल। इफ द प्रीमियम ऑफ गुडविल इज 10,000 एंड 6,000, हाफ ऑफ द गुडविल इज विथड्रॉन, हाफ मीन्स हाफ ऑफ 10,000 5,000, हाफ ऑफ 6,000 3,000, वी विल राइट हियर गुडविल इज विथड्रॉन to cash account and the entry of goodwill withdrawn will be Atal's capital account debit, Madan's capital account debit to cash account. Here we will write 5,000 and 3,000. This is up to that extent, this is over. Now the next point which we have to see, if no point is given then we will deduct from this amount debt amount and capital, closing capital will be find out. But in this question, it is given that capital of Atal and Madan after the adjustment, capital of Madan and Atal and Madan will be adjusted on the basis of Mehra's capital. Mehra's capital is, the working note, Mehra's capital is 40,000 for 1 by 5 or 2 by 10 share. For 2 by 10 share. Firm's capital 40,000 into 10 by 2, that is 2 lakh. And this 2 lakh will be divided between Atal and Madan in their new ratio. Atal and Madan in their new ratio. The new ratio is Atal 2 lakh into 5 by 10, it is 1 lakh, and Madan 2 lakh into 3 by 10, it is 60,000, and the already the capital of Mehra is also 40,000. So this capital, the new capital which we find out, we will write here, 2 balance carried down, it is a 2 balance carried down, 1 lakh capital of new capital of Atal, 60,000 capital of Madan, and here 40,000. It is given that if any amount remain, it will be paid or brought in. If means if the credit side is more, agar credit side jyada hai to debit ki taraf cash aa jayega, agar debit side jyada hai to credit ki taraf cash aa jayega. तो यहीं से देखने से पता लगता है कि इसमें क्रेडिट साइड इज मोर, और इसमें भी देखोगे तो यहीं से पता लगता है क्रेडिट साइड इज मोर, इट मींस अमाउंट विल बी पेड टू अटल एंड मदन। हियर इट इज 1,80,000, इसका टोटल आ रहा है 1,80,000, इसका टोटल आ गया आपका 1,08,000 एंड हियर इज द 40,000। इससे पहले हमें करना पड़ेगा ये, इसको सबसे लास्ट में लिखना पड़ेगा, ये बैलेंस कैरिड डाउन को भी थोड़ा सा और नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर कैश आएगा, जितना भी कैश हम विड्रॉ कर रहे हैं, जितना भी कैश हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम इसको
यहां पर लिख देते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,60,000 एंड 40,000, दिस साइड इज मोर, द टोटल ऑफ दिस साइड इज 1,08,000, तो दिस विल बी 1,18,000 एंड द बैलेंस विल बी टू कैश बैलेंस, इज ए बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस इज 62,000, 1,80,000 माइनस दिस एंड इन दिस साइड इज 1,08,000 एंड द टोटल ऑफ दिस इज 60,000 प्लस 3,000 प्लस 7,000 मीन्स 70,800, इट्स 70,800 माइनस 1,08,000 विल बी 1,08,000 माइनस 70,800 विल बी 70,800 विल बी 27,200. तो हियर वी विल राइट 27,200. और यहां से करने के लिए आप ऐसे भी देख सकते हो इसको, ये हमने किया था, इसको प्लस माइनस करने के बाद ये सारे प्लस वाली वैल्यू है 160, 180, 180 और माइनस ये करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,62,000 टोटल आया. नई कैपिटल है हमारी 1,00,000. यहां से भी आपको पता चल जाएगा कि 60,000, 62,000 कैश विल बी पेड एंड टोटल ऑफ दिस विल बी 96 प्लस 12 1,08,000 माइनस 10,000 98,000 एंड माइनस 897,200. वेल द न्यू कैपिटल इज 60,000, इट्स मीन न्यू कैपिटल इज 60,000. ये 1 मिनट, 90,000 प्लस 96 1,08,000, 1,08,000 माइनस इट्स ए 97,200 एंड हियर इट विल बी 37,200. अगेन वी चेक इट, द टोटल इज 1,08,000. 1,08,000 माइनस 10,800. 1,08,000 माइनस 10,800 इट्स 97,200 एंड 97,200 माइनस 60,000 विल बी 37,200. कैश विल बी पेड टू मदन, इट्स 37,200. कैश विल बी पेड टू मदन. So this is over. Now we have to prepare the balance sheet. So balance sheet, the capital will be 1,60,000 and 40,000. How will we prepare the balance sheet? This is over. The balance sheet capital Atal, Madan and Mehra. Atal is 1,60,000 and 40,000, it's a 2,00,000. Then creditor are minus 2,500. Creditors were 20,000. Minus 2,500, 17,500. Outstanding electricity bill. Outstanding electricity bill 3,000
while claim for damages, claim for damages, जो हमने कैश पोजीशन सिंपल वे में निकाली थी उसको काटना है. अब कैश पोजीशन निकालने के लिए वी विल प्रिपेयर कैश अकाउंट. जो हमने सिंपल कैश पोजीशन करी थी ना उसको काटना है. तो जब मैं अकाउंट बना के कैश पोजीशन निकालूंगा, एक मिनट टू फाइंड आउट द कैश पोजीशन विल प्रिपेयर द कैश अकाउंट. कैश अकाउंट इज इन दिस मैनर. द कैश अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. द कैश इज 4200 एंड द कैपिटल ब्रॉट बाय मेहराज कैपिटल अकाउंट इज 40,000 वाइल प्रीमियम फॉर गुडविल इज 16,000. Now in this side, half of the goodwill was withdrawn. Means Atal's capital account goodwill withdrawn by him is 5,000, while Madan 3,000, and extra capital which is withdrawn by Atal and Madan, that is by Atal's capital account, is 62,000, while Madan's capital account is 37,200, and the total is 1,07,200. 1,07,200. It means in this side the cash balance here is 47,000, and the cash balance remain. It means cash is overdrawn, which will be known by the bank overdraft. दोबारा सुन लीजिए. कैश हमारे पास था 4200, मेहरा कैपिटल लेके आया 40,000, गुडविल 16,000, जबकि गुडविल विड्रॉन की हाफ गुडविल विड्रॉन कर लिया. और इस साइड में विड्रॉन ज़्यादा है, पेमेंट ज़्यादा है जबकि रिसीप्ट कम है. तो जो कैपिटल है वो ओवरड्रॉन हो गया, जिसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से जानेंगे. बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से, तो बैंक ओवरड्राफ्ट ये अब आ जाएगा आपका लायबिलिटी साइड में. इन दिस साइड वी विल शोन बैंक ओवरड्राफ्ट. Bank overdraft, this will be 47,000, and the total of this will be 2,67,825. Total of balance sheet will be 2,67,825. So by this way we would able to solve the question very easily. For the practice we can do in this manner, or directly we can do, because even for the student who does not know how to solve the question, first of all you make the layman's practice, means simple plus minus, gain plus loss minus, then you try to prepare the revaluation account, because at this level you would be able to solve all these things, the capital account in this manner, or directly the manner which I told you earlier. This question is over.